हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप सभी को मैं वीडियो दिखाऊंगा उत्तराखंड की एक जो फेमस परंपरा है, पासनी। पासनी का मतलब जब बच्चा 5 महीने या 6 महीने का हो जाता है तब उसे खाना पीना खिलाया जाता है, शायद आप सभी को पता होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज आप सभी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, और ये मेरी बेटी भाविष्का है। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि पासनी क्या होती है। तो शायद अगर हमारे उत्तराखंड के भाई हों तो उन्हें सबको पता होगा। तो ये परंपरा होती क्या है, इसके बारे में आप सभी को मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और इस वीडियो में आप सभी को थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा कि पासनी होती क्या है। तो पासनी के दिन हमारे पंडित जी आते हैं, तो वो पूजा पाठ अर्चना करते हैं, और उस दिन जब हमारी जो बच्ची होती है वो उसके सामने अनेक प्रकार के पकवान रखे जा सकते हैं, देख रहे हैं आप जैसे कि। तो बच्ची का जो भी उस दिन मन होता है वो उठा लेती है, तो वही एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि बच्ची जो भी सबसे पहले उठाए तो वही एक अच्छा कार्य माना जाता है। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि हमारी जो बेटी है भाविष का, तो उसने सबसे पहले क्या उठाया। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो उसके सामने बहुत सारा पैसा भी रखा गया है, फल फ्रूट सेब पूरी आलू जो भी पकवान बनते हैं वो सब कुछ रखा गया है। तो उसने सबसे पहले जो है वो, मुझे अच्छा लगा, खुशी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो भी हो वो अच्छा चीज़ करे। तो उसने सबसे पहले हर चीज़ को इग्नोर करते हुए, आप देख सकते हैं कि उसने सबसे पहले पेन और कापी उठाई, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वो भी आगे जाके अच्छा करे, भविष्य में अच्छा काम करे, अच्छा पढ़े लिखे। तो उसने एज ए फर्स्ट जो भी देख सकते हैं आप, सबसे पहले कापी उठाई है, आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। तो सबसे पहले उसने जो है ये कापी उठाई, और उसके बाद उसने पेन और कलम, आप पढ़ाई देख सकते हैं करेगी। किस तरह कर रही है हमारी बेटी। तो इसी तरह हमारी जो है ये पासन की जो परंपरा है इसे इसी तरह निभाया जाता है। ये उत्तराखंड में बहुत विशेषकर हर जगह मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलूंगा और वीडियो के साथ।